moment. सो आई होप गाइस आप लोगों को वो क्लच जरूर देखने को मिलेगा। तो गाइस इस गेम प्ले में आप लोगों को ऐसे क्लचेस बहुत देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग उसमें से एक भी पसंद आता है मतलब, तो आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मतलब इधर दोस्त को उधर देते गाइस और उसको तो हमारे टीम मेट निपटा देते हैं जब तक मैं उधर पहुँचता हूँ, बट एक बंदा जो है मेरे हाथ से चढ़ जाता है और देखो उसको कैसे ही निपटाता है। यहाँ पर कैश जब मैंने उस पर रश किया वो बैंडेज लगा रहा था, तो उसके जो है हम लोगों ने मैंने बिल्कुल देने की इजीली निपटा दिया। उसके बाद हम लोग निकलते इधर पे और मेरे को पता था इधर बंदे, क्योंकि मैं सो हल्का सा लेग हुआ था और देखना यहाँ पर क्या सीन होता है। उस बंदे को मैंने लीड किया और भाई एक गोली मार के M4 वाले ने अपने नाम कर लिया वो किल, मतलब क्या ही गजब ना। उसके बाद 4 नंबर घुस गया, 2 नंबर घुस जाता है और मैं उसके पीछे घुस जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर भाई क्या ही कन्फ्यूज़न था। तो मैं वापस नीचे आता हूँ और उसके बाद जो है देखना 3 बंदे नोक हो चुके वो तो अच्छा, वो लास्ट में उस बंदे को मैंने ख़त्म कर दिया, पर इधर हमारी स्पोर्ट्स जरूर निपट जाती भाई। मतलब कुछ सोचे बगैर इन लोगों ने मतलब घुस ही गए, कुछ सोचना जो चाहिए था। और ऊपर से बोलते हैं भाई कि चारों को एक साथ घुसना चाहिए था, मतलब हद है ना भाई, सीढ़ी एक ही है घुसे कैसे भाई, सब आड़े पड़े हुए हैं कैसे घुस सकते हैं। सो ऐसे यहाँ पर तो जो भी हुआ एक बंदा निपट गया, बट कम से कम हम लोगों ने उनको निपटा दिया। तो उसके बाद जो है हम लोग गाइस आएंगे पोचिंग पे। पोचिंग पे आते और मेरे को यहाँ पर भी हल्का सा लग हुआ, मैं समझ गया था कि कोई तो बंदे आ रहे हैं। और जैसे ही गाड़ी पे रुकता हूँ पीछे से आवाज़ आती है और देखो इसको कैसे निपटाता है। तो यहाँ पर मेरे को गाइस इसके 2 किल्स मिल जाते, तो मैं तो भाई मस्से में आ गया था। तो ये स्कोर तो आती कैसे और कैसे ख़त्म हो जाती इनको भी शायद नहीं पता चला होगा। तो देखो भाई अभी मतलब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे और ड्रॉप होता है वापस से पोचिंग पे, तो हम लोग क्या करते हैं इधर आते हैं और 4 नंबर बोल रहा था भाई इधर वापस गाड़ी वाड़ी आएगी। तो यहाँ पर मेरा हल्का सा लेको, मैं समझ गया कि भाई बंदे आसपास है और वो ज़रूर से आएंगे इस साइड में। तो जैसे मैं मतलब यहाँ पर TPP लेता हूँ और देखता हूँ कि भाई कोई है, तो इतने में जो मेरे को मतलब इधर आता हूँ और पीछे से गाड़ी की वॉइस आती है और वो गाड़ी आती है इधर पर। तो ये बंदा TPP ले रहा था, उसको तो मैं रिवाइव का भी मौका नहीं दूंगा, ये TPP वाले बहुत ख़तरनाक होते हैं भाई। उसके बाद कैसे हम लोग जो है इस बंदों पे मतलब कितने नेट बरसाते हैं आप लोग सिर्फ गिनना, कितने नेट बरसाते हैं। मैं अकेला कितने नेट बरसाता हूँ सिर्फ आप लोग गिनते रहना। तो सबसे पहला हमारा ये ग्रेनेड, ग्रेनेड फोड़ा। उसके बाद हम लोग एक और ग्रेनेड करेंगे उस वाली डोर पे। उसके बाद एक स्मोक इधर, अब बारी थी मोली की। तो मतलब ग्रेनेड पे ग्रेनेड कर रहे थे, अब मोली भी बरसानी थी, बट ये मोली गंदी तरीके से मेरे पे कैसे आई पता नहीं भाई, बट गंदी तरीके से मेरे पे आई। अब जो भी हुआ लेकिन अभी तो गाइस और भी नेट बरसाने काफ़ी बाकी था, तो मैं क्या करता हूँ एक और मोली इधर करता हूँ और फिर मैं जो है इसके नेट लूँगा और ये भी उस पर बरसाऊँगा। क्योंकि ऊपर जाने से तो अच्छा है ना गाइस कि आपके पास जो भी नेट है रख के क्या फ़ायदा, ऊपर जितने भी नेट है करते जाओ। तो मैं वापस से एक नेट करता और एक बंदा जो उसका कूदता भी है लेकिन वापस ऊपर जाता हूँ। और वो मतलब यार इतने लेट हो चुके थे ना ये बंदे कि उनको सिर्फ एक एक दो दो गोली डालनी थी और लास्ट का नेट तो मैं मतलब बाहर ही कर देता हूँ, तो हमारे टीममेट जो उसको ईजिली निपटा देता है। सीए वाली स्कोर निपट जाती और पोचिंग हो चुका था खाली, तो हम लोग आते इधर पे और इस स्कोर है उस पर एक बंदा रहता है जो कि मतलब 3-4 बंदे रहते हैं पूरी टीम रहती है, उसमें एक बंदा रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है
तो उसको हम लोग जो है हमारा टीममेट निपटा देता है, और बाकी के तीन बंदे को हम लोग देखो कैसे निपटाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे राइट में थे दो बंदे, मतलब हमारी टीममेट, तो मैं जो आता हूँ इधर, और एक बंदे जो झाड़ के पीछे से स्नाइपिंग कर रहा था, देखो उसको पहले कैसे ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले इसको नॉक किया और उसको छोड़ दिया। अभी एक बंदे ने मेरे को सपोर्ट किया था, तो वो जो है मेरे पे एक कवर फायर देता है, मतलब अपनी टीममेट को कवर फायर देता है, लेकिन हम लोग भी जो है स्मोक करके उस पर रश कर देंगे। सो गाइस हमेशा ही अपने क्लोज शेड को उधर रखो और कवर फायर देते रहो अपना खुद के लिए, तो क्या होगा गाइस कि वो लोग पिक नहीं कर पाएंगे, वरना जब आप लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हो बंदे जो है पिक करके आप लोग ईजिली निपटा सकते हैं। इसलिए एक बार कवर फायर ज़रूर मार लेना, तभी ये मत सोचना भाई कि एमओ वेमो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी चार तीन नंबर हमारा थोड़ी सी गलती कर देता है, वो इधर आ जाता है और वो बंदा क्या करता है, वॉल के पीछे से इसको निपटा देता है। तो अभी देखना है यहाँ पर आप लोगों को, तो वॉल वाले को पहले तो हम लोगों ने निपटाया, वही बारी थी इसके दूसरे टीममेट की। अभी उसको पैनिक करने के लिए गैस मैं इसको तो छोड़ देता हूँ, क्योंकि गैस इनको छोड़ देंगे तभी तो वो इसको रिवाइव करने के लिए आगे आएगा, वरना तो वो भी कैंपिंग कर रहेगा। इसलिए मैं इसको एक टाइम देता हूँ, मतलब मौका भी है एक तरीके से इसके लिए। तो एक नेट खींचता हूँ और उसके बाद इसको भी ख़त्म कर देंगे, मतलब 180 था बट ख़त्म हो गया वो। सो गैस ये बंदे इसलिए निपट जाते हैं। और अभी यहाँ पर एक बाइक मेरे को दिखता है, आप लोगों को भी दिखा होगा, तो वो बाइक पे हम लोग रश करेंगे। गाइस जोन में और कोई जगह नहीं थी और वेयर हाउस एक ही था इधर, तो वो इधर आ सकते थे, बट जोन जो है थोड़ा सा आगे शिफ्ट होता है, तो क्या करते हैं कि उसी ब्रिज पे रुक जाता है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए उस पर रश करते। अब मैं पहले गया था तो मैं कवर में आ जाता हूँ और हमारा जो चार नंबर है वो पीछे रह जाता है। इस वजह से गैस वो उन लोगों को तो धर देते हैं, बट मेरे को इनका पता था कि इन पे थर्ड पार्टी होना बिल्कुल होगा, क्योंकि जोन छोटा था और पीछे की साइड से इन पे ऊपर मतलब एंगल मिलेगा, तो इनका तो थर्ड पार्टी होगा, लेकिन चार नंबर हमारा जो बच जाएगा। अब देखना उसकी बॉडी कैसे बनती है, यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर दिखेगी उसकी बॉडी, क्योंकि पीछे से इसके ऊपर थर्ड पार्टी होता है। और देखो ये बन गया उसका बॉडी, सो उसकी बॉडी इसलिए बन जाती है। अभी इसको रिवाइव में कर देता हूँ, और एक बंदा उधर रहता है और दो बंदे राइट साइड में रहते हैं। तो आप लोग दिखा ही होगा एक बंदा भाग रहा है, तो देखो उसको कैसे मतलब निपटा तो नहीं पाएंगे क्योंकि दूर है वो, और ब्रिज के कवर में भी था, बट हल्का सा उसको मैंने लिट किया था। अभी यहाँ से चिकन डिनर निकालना का काफ़ी इजी था, क्योंकि हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छे कवर में थे और उन लोगों को जोन में आना था, जोन हमारे फेवर में था। सो इसको एक का डिलीट मतलब हिट पड़ता है और बाकी काम हमारा जो है चार नंबर कर देता है। उसके बाद एक बंदा मेरे को दिखता है तो उसको जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ, और बचता है अभी एक और बंदा जिसको हमारा चार नंबर निपटा देगा। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट भी करना अगर पसंद आते। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।